हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम साहू। आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा सॉल्यूशन इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई है एंड विच आर नॉट। ओके, तो किस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन को अपन सेटिस्फाई करवाएंगे, या तो होगा या नहीं होगा यहाँ पर समझेंगे, तो वो अपन यहाँ पर क्वेश्चन को करके समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो आपको दिया हुआ है ब्रैकेट में 0 एंड 2। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, ये जो 0 दिया हुआ है इट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 0, और जो ये 2 दिया हुआ है इट मीन्स वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आपकी 2 है। ओके, अब आप देखिए, अब आपको इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाना है। आप देखेंगे आपकी जो इक्वेशन है एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, तो इट मीन्स मैं जब वैल्यू को पुटअप करूंगा तो यहाँ पर मैंने देखा एक्स कितना है 0, देन माइनस 2 इंटू वाई कितना है 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 जा 4, देखा मैंने माइनस 4 और यहाँ पर जो है वो कितना है प्लस 4। तो मैंने देखा यहाँ पर ये दोनों LHS और RHS जो है वो इक्वल नहीं आए, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर बोलेंगे 0 2 इज नॉट अ सोल्यूशन, नॉट अ सोल्यूशन ऑफ जो भी आपकी इक्वेशन है। आपकी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो 0 2 यहाँ पर इसका सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज यर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। यर अवर सेकंड पार्ट इज 0 2 एंड 0। ओके, तो 2 एंड 0 के लिए यहाँ पर देखेंगे, तो सबसे पहले अपन ने देखा हियर द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड वैल्यू ऑफ y इज 0। ओके, वी कैन से दैट हियर अवर इक्वेशन इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, सो हियर x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, सो वैल्यू ऑफ x इज 2 माइनस 2 इंटू y वैल्यू इज 0, इट मीन इक्वल टू 4। सो 2 0 0 is equal to 4. 2 minus 0 is 2 is not equal to 4. So here we can also see that LHS is not equal to RHS. So here 2 0 is not a solution, not a solution of जो भी आपकी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर अपन ने सेकंड वाला पार्ट का सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया है, थर्ड वाले क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट भी कर लिया है। बढ़ते हमने थर्ड वाले पार्ट की ओर। थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पे देखेंगे जो आपको क्वेश्चन गिवन है वो क्या गिवन है, 4 0 पे आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो x की वैल्यू होगी वो 4 होगी, y की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। आपकी जो फाइनली इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, सो यर वैल्यू ऑफ x इज 4 माइनस 2 into y value is 0 is equal to 4. 4 minus 0 is equal to 4. So 4 minus 0 is 4 is equal to 4. So we can see that here LHS is equal to RHS. So here the points 4 0 is a solution. Is a solution of this equation x minus 2y is equal to 4. तो 4 0 इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ वाले पार्ट की ओर। ओके, फोर्थ वाले पार्ट में मैं देखूंगा यहाँ पर x की वैल्यू होगी √2, देन y की वैल्यू यहाँ पर होगी 4√2। ओके, तो इस तरीके से x एंड y की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। मेरे को जो इक्वेशन गिवन है वो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, x की वैल्यू आपकी जो है वो √2 है, माइनस 2 इंटू y की वैल्यू जो है वो कितनी है 4√2 है इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर मैं देखूंगा √2 माइनस 4 2 जा 8√2 इज इक्वल टू 4 लिखूंगा। मैंने देखा 8√2 में से यहाँ पर 1√2 का, तो यहाँ पर 7√2 माइनस 7√2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बड़े के आगे जो है वो क्या है माइनस, इज इट नॉट इक्वल टू, मैं देखूंगा ये 4 आएगा। तो इट मीन मैंने देखा ये वाले जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं √2 और जो 4√2 रहेगा वो क्या है, इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, सो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होगा, कंप्लीट होगा। सो हियर अवर क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 4.2 ऑफ क्लास 9 इज कंप्लीटेड। इफ एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन देन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।